यस, 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। देखिए, अभी मैंने आप लोगों को छठा चैप्टर खत्म करा दिया, तो ज्यामिति का आप लोगों के हाफ ईयरली में वही आएगा। फिर इसके बाद में आप लोगों के जो दूसरा टॉपिक है उसमें आप लोगों के एक रचना वाला करवा दिया। अब आप लोगों को ज्यामिति के बारे में बताऊंगा। ज्यामिति में क्या है, आप लोगों के सबसे पहले आता है हीरोन सूत्र, जिसमें क्या है, हम एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आप लोगों को इस सूत्र का तभी उपयोग करेंगे अपन जब अपने को तीनों भुजाएं दे रखी हों, क्योंकि पहले आप लोग अपनी छोटी क्लासों के अंदर आप लोग पढ़ चुके हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो अब आप लोगों के जो है, अब आपको तीनों भुजाएं दे दी जाए तो आप लोग कौन सा सूत्र उपयोग में लेंगे, हीरोन का सूत्र। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो मैं आपको समझा देता हूँ हीरोन का सूत्र क्या है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को ये त्रिभुज दे रखा है एक्स वाई जेड, इसमें आप लोगों को इनकी साइड्स दे रखी हैं ए बी और सी। सबसे पहले आप लोगों को इसका सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप का मतलब क्या हो गया, इसकी तीनों भुजाओं का योगफल। परिमाप का मतलब क्या हुआ, इसकी तीनों भुजाओं का योगफल। तो सबसे पहले तो देखिए परिमाप क्या हुआ, ए प्लस बी प्लस सी। अब इसका अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को रिप्रेजेंट करते हैं अपन एस से, तो एस होगा ए प्लस बी प्लस सी और बटे में कितना, दो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका इसका अर्ध परिमाप, ठीक है। अब अगर आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यानी सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, आपको इसका अर्ध परिमाप निकालना है। फिर इसके अंदर जो भुजाएं दे रखी हैं उन सबको घटा देना है, घटा करके उसको अर्ध परिमाप से गुणा करके और उसका वर्गमूल ले लेना है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, हीरोन का सूत्र कब उपयोग में लिया जाता है, जब अपने को त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो। जैसे एक मैं उदाहरण ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई त्रिभुज दे रखा है। त्रिभुज क्या है, देखिए जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में आप लोगों को भुजाएं दे रखी हैं 4, 5 और 6, इस तरीके से दे रखी है। अब आप लोगों को जैसे इसका क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, एस निकालेंगे। एस यानी इसका अर्ध परिमाप कितना होगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 और बटे में कितना, 2। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो 11, 11 और 4 15, 15 बटे 2 यानी कितना आ गया, 7.5, ठीक है। फिर इसके बाद में त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके सूत्र से, हीरोन सूत्र से। बराबर पहले सूत्र लिखेंगे अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है ना। अब इसके अंदर मान रख दीजिए, मान रखेंगे तो देखिए एस का मान कितना आया, 7.5। फिर इसके बाद में 7.5 माइनस का 4, पहला कट गया। फिर इसके बाद में 7.5 माइनस का 5, फिर इसके बाद में 7.5 माइनस का 6, इस तरीके से आ जाएगा। अब इसको हल करके लिखेंगे, देखो क्या आएगा, ये आया आपके 7.5 गुणा ये आ जाएगा 3.5, फिर इसके बाद में ये कितना आ जाएगा, 2.5, फिर इसके बाद में ये कितना आएगा, 1.5, हो गया। अब आपको क्या करना है, इनका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, इनको छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। जैसे देखिए अंडर रूट में 7.5 को मैं ऐसे लिख रहा हूं, 1.5 गुणा में 5, ठीक है। फिर इसके बाद में 3.5 को मैं लिख रहा हूं कितना, ये आप लोगों के है 5 से 35, तो ये आपके आ जाएगा 5 गुणा 0.7, ठीक है ना। फिर इसके बाद में कितना आया, 2.5 है, इसको अपन लिख देंगे 5 गुणा 0.5, ठीक है। और फिर 1.5 है, इसको लिखेंगे 5 गुणा 0.3, ठीक है। अब इसको हल करेंगे, देखो आप देखिए यहां ये 5, ये 5, ये 5 और ये 5 कितने बार आया, 4 बार, तो 2 बार 4 5 बार आ जाएगा। अब अंदर क्या क्या रह गया वो देखो, अंदर रह गया अंडर रूट में 1.5 गुणा 0.7 गुणा में कितना आया, 0.5 गुणा में 0.3, यानी इन दोनों को गुणा करेंगे तो वही, तो देखिए कितना आएगा, देखिए अब तो ये आएगा आपके 5 गुणा 5 और फिर अंडर रूट में इसको अपन लिख सकते हैं 5 गुणा 0.3, ठीक है ना। फिर इसके बाद में गुणा में 0.7 गुणा
0.5 गुणा 0.3। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 25 तो ये हो गए, अब यहां से बाहर देखो ये भी आ जाएगा 0.3 0.3, तो ये भी आ जाएगा, तो ये बाहर आएगा। तो देखिए कितने से अपन ने गुणा किया था इसको, 5 को 5 थी 15, तो सही है। तो 0.5 को 3 से करेंगे तो भी उतना ही आएगा, तो ये आएगा आपके 5 5 25, और ये इसको लिया बाहर 25 गुणा में 0.3 और अंडर रूट में, अब आप लोगों जो बच गए वो 3.5 बच गया अंदर, ठीक है ना। 0.3 और एक और रह गया, देखो ये तो 0.3 तो एक तो जोड़ा बढ़ गया, अब एक 0.5 और रह गया, तो 35 सात पंजे 35, 0.35 इसको 5 से गुणा करेंगे तो 35 पंजे 175, 1.75, ठीक है ना। अब 1.75 को भी हल कर सकते हैं आप लोग, ये आ जाएगा आपके 7.5, ठीक है ना, और अंडर रूट में ये आएगा 25 सत्ते 175, तो कहने वाला है 1.75। इस तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हैं, वर्ग इकाई यानी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर और मीटर है तो मीटर। ये तो कब आया, जब अपने को तीनों भुजाएं दे रखी हैं। अब मैं आप लोगों की किताब के उदाहरण लेता हूं, देखो क्या है, ये तो हो गया समझने के लिए। अब आप देखो ये थोड़ा सा हार्ड था, अब इजी इजी क्वेश्चन है आप लोगों के, कोई भी कठिन नहीं है, तो क्या करना है किस तरीके से करना है वो देखिए। आप लोग पहला सवाल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं दे रखी हैं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर। अब देखिए आप लोगों दो तो दे दी, तीसरी नहीं दे रखी, इसका परिमाप दे रखा है 32 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर है कितना, 32 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, जैसे दो भुजाएं अपने को दे रखी हैं तो तीसरी भुजा निकालो, तो पहले लिखेंगे आप लोग तीसरी भुजा बराबर परिमाप में से यानी 32 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे, 32 माइनस 19 बराबर कितना आ गया 13, तो ये आ गई आपकी तीसरी भुजा। अब इसके बाद में एस निकालो, यहां एस, एस का मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा, तो परिमाप कितना है 32, 32 का आधा निकालना है तो कितना आ गया ये 16 सेंटीमीटर आ गया, हो गया। अब आप सूत्र लिख दीजिए हीरोन के सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब इनके अंदर मान रखो, तो देखो एस कितना है, एस है आपके 16 आ गया, फिर इसके बाद में 16 माइनस पहली भुजा कितनी 8, तो 16 माइनस 8, फिर इसके बाद 16 माइनस 11, फिर इसके बाद 16 माइनस 13, हो गया। अब आप देखिए ये तो 16 आ गया, 16 में से 8 गए तो 8 बच गए, 11 गए तो 5 बच गए, और ये रह गए आपके 6, ठीक है ना। अब इनके छोटे छोटे प्राइम फैक्टर करेंगे, मतलब भाज्य गुणनखंड, तो इस 16 का तो वर्गमूल निकल जाता है, इसको क्या लिख दूं बताओ, ये तो 16 रहने दो, इसको 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 को ऐसे कैसे रहने दो, फिर इसको लिख देंगे 2 गुणा में 3। अब इनके जोड़े बनाओ, देखो 16 का वर्गमूल तो निकलता है 4, ये तो बाहर ले आओ, एक जोड़ा ये बन गया तो इनमें से 2 आ गया बाहर, फिर इसके बाद में दूसरा जोड़ा ये 2 का बन गया तो ये दूसरा 2 भी आ गया। अब आपके पास में कितना रहा 5, तो इधर रह गया और 3 इधर रह गया, तो अंडर रूट में कितना 15। अब इनको गुणा करो, देखो 2 दूनी 4 4 चौक 16, तो ये आगे 16 अंडर रूट 15, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया, इसका क्षेत्रफल आ गया, किसका किसका क्षेत्रफल आया, ये एक बार फिर देख लीजिए आप लोगों ने क्या किया वो बता देता हूं आप लोगों को। जैसे ये 16 है, फिर 8 को क्या लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये गुणा में कितना 5, और फिर 6 को क्या लिखेंगे 2 गुणा 3, ठीक है ना। फिर इसके बाद में देखिए पेयर कितने, 1 2 3 4, 16 का वर्गमूल तो लिया 4, ठीक है ना, 16 का तो कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में इन दो का कितना आया, 1 2 तो ये आ गया, 1 2 ये आ गया, और अंडर रूट में 15 आ गया, अंडर रूट में कितना आ गया 15। तो अब इसके बाद में देखिए आप लोग इसको हल करेंगे तो ये कितना आएगा, 4 दुनी 8 8 दुनी 16, 16 अंडर रूट 15, इतने वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका क्या जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये तो हो गया ये तरीका। फिर इसके बाद में एक उदाहरण ले लेते हैं, जब आप लोगों को तीनों भुजाएं दे दी जाती हैं
तो उस स्थिति में आप लोगों को इसी तरीके से करना है। संख्याएं बदली जा सकती हैं, संख्याएं बदल भी देते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक त्रिभुज दे रखा है, उसमें उसकी भुजाएं दे रखी हैं 120, 80 मीटर और 50 मीटर। 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर, ये तो उसकी भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है। फिर एक मालिन है धनिया, उसके चारों ओर एक बाड़ लगाती है, इसके अंदर घास उगाती है, उसे कितना क्षेत्रफल में घास उगानी है। तो पहले तो अपन इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो घास उगाने का मतलब ये क्या है, त्रिभुजाकार खेत है तो घास उगानी है, तो कहने का मतलब एस निकालो पहले। एस क्या होगा, 120 प्लस 80 प्लस 50 और बटे में कितना, 2। तो 250 बटे में 2, 250 बटे 2 यानी कितना आ गया, 125 मीटर। ये तो आ गया क्या, इसका अर्ध परिमाप आ गया। क्या आ गया, इसका अर्ध परिमाप। अब घास उगाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ये निकालना है तो क्या लगेगा बताओ, अंडर रूट में वही हीरोन सूत्र से, ब्रैकेट में लिख देना, हीरोन सूत्र से क्या आएगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इस तरीके से। अब आप देखिए इसमें एस, एस क्या है, 125। फिर बाकी आप लोग करते जाइए, आगे वही 125 माइनस 120, फिर 125 माइनस के 80, फिर 125 माइनस का 50, ठीक है। इसको हल करो, हल करेंगे तो देखो ये कितना है, 125, फिर गुणा में ये आ गया 5, फिर 80 गए तो ये कितने आ गए आपके, 45, फिर इसके बाद में 125 में जो 50 गए तो कितने आ गए, 75। अब इसके अभाज्य गुणनखंड देखिए किस तरीके से लिखना आप लोगों को, ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं तो आपको दिख जाएगा। तो देखिए अब आप लोग 125 को अपन लिख सकते हैं 25 गुणा में 5, क्योंकि 25 का वर्गमूल निकल जाता है, फिर ये 5 है, इस 5 को छेड़ो मत, ऐसे कैसे लिख दो, ठीक है ना। फिर इसके बाद में ये 45 है, 45 को अपन लिख देंगे 3 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। और 75 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा में 25। अब आप देखिए 25 का जोड़ा बढ़ गया तो 25 बार आ गया, 5 का जोड़ा बन रहा है तो ये 5 भी बार आ गया, फिर इसके बाद में ये भी बन गया, ये जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बार आ गया। फिर बच गया कौन सा, एक तो ये 5 बच गया और एक 3 बच गया, 5 और 3 तो अंडर रूट में कितना, 15। अब इसको हल करो, देखो 5 थी 15, 15 5 75, 7 15 30 और 7 37, 375 अंडर रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो आ गया क्या, इसका क्षेत्र, सॉरी मीटर है तो मीटर में और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में, तो ये क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर। ये तो आ गया क्या, क्षेत्रफल आ गया, यानी इतना क्षेत्र जिसके ऊपर उसको क्या करनी है, घास उगानी है। अब इसके बाद में एक चीज और पूछी है, क्या पूछी है वो और देख लीजिए आप लोग। इसने दिया है आगे क्या, घास उगानी है, एक और 3 मीटर चौड़ा क्या बना हुआ है, एक फाटक बना हुआ है, इसको छोड़ते उसके चारों ओर ₹20 प्रति मीटर की दर से कांटेदार बाड़ लगाने का, तो बाड़ की लंबाई निकालनी है, बाड़ में प्रयुक्त तार की लंबाई, ठीक है ना। यानी इसमें आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो इसका परिमाप निकालेंगे, बराबर त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप माइनस दरवाजे के लिए छोड़ी गई जगह की दूरी। अब यहां पर देखो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, आप लोगों को यहां दे रखा है कितना, दे रखा लंबाई चौड़ाई, ये जो आप लोगों की भुजाएं दे रखी हैं, इसमें भुजाएं दी हैं आप लोगों की, एक तो 120 कितने दे रखी है, 120, और ये परिमाप तो अभी अपन ने निकाला था कितना आया था, 250, और माइनस दरवाजे के लिए कितनी, 3 मीटर जगह छोड़ दी है,
तो ये आपके आ गया 247 मीटर, यानी ये तार की लंबाई आ गई बाढ़ के लिए। ये क्या आ गई? तार की लंबाई। अब अपने को खर्चा निकालना है। खर्चा निकाल, खर्चा क्या दे रखा है? खर्चा बराबर 20 रुपए प्रति मीटर। देखिए इसमें क्या रहेगा, 20 रुपए प्रति मीटर की दर से, तो 20 को किससे गुणा कर देंगे? 247 से। तो ये आपके आएगा 0, 7 × 14 = 4, 8 × 1, 4 × 8 = 9 और 2 × 2 = 4। तो कहने का मतलब ये आ गया आपके 4,940 रुपए। इस तरीके से अपन इसका खर्चा निकाल सकते हैं। तो आपके उदाहरण खत्म हो गए हीरोन के सूत्र वाले। कल आप लोगों को प्रश्नावली बताई जाएगी 12.1। धन्यवाद।